तो ये फॉर्मूले हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, और जिन्होंने अब एक साथ लिख लिया करो क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने लिखा है ना, चार फॉर्मूले। तो ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइट टू टू एंड ओनली क्या है, स्ट्रिंग टाइट टू वन एंड ओनली क्या है, फॉर्मूले क्या हो गए, टू एन माइनस वन, ये सारी चीजें है ना। तो इन पे अब क्वेश्चन आगे, बीट्स हमने पढ़ लिया, बीट्स क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या होंगे, और ये जहां भी रेजोनेट कर रहा है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि कहीं पर कि आपने प्रैक्टिस भी करी होगी घर पे, ओपन ऑर्गन पाइप इज रेजोनेट्स एट 450 हर्ट्ज, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, मान लो ट्यूरिंग फॉर्क ओपन ऑर्गन पाइप के ऊपर हिला रहे हैं, मूव करा रहे हैं यहाँ पर, तो उससे जो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी डेवलप हो रही है वो ट्यूरिंग फॉर्क के बराबर है, मतलब एक तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी दे रही 450 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, तो ये बात का ध्यान रखना, रेजोनेट्स माने उसके बराबर, रेजोनेशन रेजोनेंस माने बराबर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने लिख लिया एक बार लिख लो फॉर्मूले और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो लिख लो ऐसे इसमें, तो क्योंकि इसमें गेम सारा फॉर्मूले का है, बच्चे भूलते ही फॉर्मूले हैं, पूरा टॉपिक ही फॉर्मूले पे, आगे भी इवन आगे भी। एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं हर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, हमने सब कुछ इसमें पढ़ लिया है, मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, पानी वाले मैंने छोड़ने को बोला था, तो आज हम वो पानी वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले, समझो क्या कह रहा है, मतलब हमने ट्यूनिंग फॉर्क, बीट्स और क्लोज ऑर्गन पाइप को मिक्स करा यहाँ पर, है ना, इसको करते हैं।
चलो देखो करे, क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, बस हो सकता है मतलब आंसर बहुत छोटे होते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। फॉर्मूले याद रहेंगे, लिख लिए, हटा दो इन फॉर्मूलों को। देखो जरा, आपके पास एक ट्यूनिंग फॉक है जिस जो बी ट्यूनिंग फॉक के साथ कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5। सुना तो आपको ए की पता ना बी की पता, लेकिन आपको इतना पता लग गया कि ए और बी में कितना डिफरेंस है, 5 का। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो ट्यूनिंग फॉक है बी वाला, दिस ट्यूनिंग फॉक कैन कॉज अ सीओपी। ये मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये ट्यूनिंग फॉक एक सीओपी के साथ रेजोनेंस में है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो रेजोनेंस वाली कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं बच्चे मुझसे, उसका मतलब ये है कि ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी और इस फंडामेंटल सीओपी के फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो बस सेम करते हैं, बताओ सीओपी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। सीओपी की फंडामेंटल वी बाय 4L, डायरेक्ट वी बाय 4L। वी कितना है, 320 है ना, बाय 4L कर लो बस अपने आप। ऐसे मैंने मोटा मोटा तो आपको बताई थी बात, L की वैल्यू क्या होगी, चलो मैं कराता भी जा रहा हूँ, कुछ लोग करते भी जाओ अपने आप। L की वैल्यू क्या होगी, 40/100, स्लो करा रहा हूँ, जो लोग अपने आप कर रहे हैं करते रहे, ये हो गया क्लियर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 32/16 और ऊपर 100, तो 200 आ रहा है। ये आपको मैंने थोड़ी सी बस यहाँ पे हेल्प कर दी। अब ये ट्यूनिंग फॉक का क्वेश्चन बन गया, अब खत्म हो गया। ट्यूनिंग फॉक जो बी है, बी जो ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी 200 आ चुकी है, तो ए की क्या रहने वाली है, या तो 195 या 205। अब ये ट्यूनिंग फॉक वाला क्वेश्चन होगा, करो। ये आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, कहाँ हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये आपको निकालना है और इसके बाद ये करना है। जल्दी से करो, मैं और क्वेश्चन दूंगा। तो इस तरह की ये वैरायटी है इसमें, और देखते हैं फिर। हाँ भाई, ये आ गया 200। तो अब मेरा आंसर, अगर आवाज बंद करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बी का, बी की वैल्यू 200 आ चुकी है, बी की वैल्यू कितनी है, 200, तो ए उसके साथ 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आंसर या तो 195 है या 205 है, या तो 195 है या 205 है। अब 195 या 205 में से कोई एक आंसर है। अब इसमें से हमें आगे पढ़ना है कि अगर ए को लोड किया जाए वैक्स के साथ, ए को वैक्स के साथ लोड किया जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। अगर ए को लोड किया जाए, ए को वैक्स के साथ लोड किया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती है, बस इतनी बात। अब देखो जरा, अब मुझे एक बार बताओ, ए कौन है बताओ, कोई भी एक आंसर कौन सा चूज करोगे, 205 कह रहे हो तो चलो ये कर लेते हैं। 205 को लोड करा वैक्स से तो क्या हो जाएगा, ये 203, 203 हुआ तो बीट्स कितनी आ रही है, 3। हाँ ये तो घट, सही बात है, इसका परफेक्ट है, ये आंसर है। तो आंसर कितना हो गया, 205, आंसर कितना हो जाएगा, 205। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन हार्ड हो ही नहीं सकता, बस फॉर्मूले याद रह जाए सर। लिखो ओपन ऑर्गन पाइप, आवाज बंद बिल्कुल भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट। ओपन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसेस
ओपन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क. ओपन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क. ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज. किसकी फ्रीक्वेंसी? ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज. ओपन ऑर्गन पाइप 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है. द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज प्रोड्यूसिंग. यहां हमें ये नहीं बताया कौन ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. सेकेंड हार्मोनिक इसी की, इसी का सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपी इज प्रोड्यूसिंग 5 बीट्स विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज. अनदर ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो ओपन ऑर्गन पाइप जो पहले वाला था, मतलब जो ओरिजिनल जो भी रहा होगा, अब फाइंड इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है. इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है. सोचो जरा कैसे करेंगे. ये नहीं बताया कि वो जो पहले वाला ओपन ऑर्गन पाइप है, जो फर्स्ट वाला है, वो फंडामेंट ऑपरेट कर रहा है कि वो थर्ड हार्मोनिक में है, फोर्थ में है, शायद उसकी जरूरत भी ना हो. बताया नहीं उन्होंने. इसका बताया, इसका सेकंड हार्मोनिक 5 बीट प्रोड्यूस कर रहा है 513 के साथ. या इजी कर देता हूं आपके लिए. ओपन ऑर्गन पाइप ये फंडामेंटल में ही कर लो इसमें. चलो फंडामेंटल में कर लो, मतलब पहले वाला किसमें कर रहा है? फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है. फिर उसका हमने क्या कर दिया, उसे और तेज प्ले करना शुरू कर दिया, तो वो सेकंड हार्मोनिक में करने लगा. सेकंड हार्मो पहले जब था तो कितनी बीट प्रोड्यूस करता था? 4. सेकंड में आने के बाद कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 5. सेकेंड के बाद कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 5. बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ. इसके साथ 5 बीट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो आपका आंसर क्या होगा? 508 या 518. और इसके साथ कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आंसर क्या होगा? 246 या 254. और एक और कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल है सेकंड. फंडामेंटल का क्या होता है? तो अब आप समझ जाने थे आपको इतना सब कुछ बताने के बाद. सेकंड फंडामेंटल का क्या होता है? डबल या नहीं? हो गया क्वेश्चन. कौन सा आंसर होगा फिर? अभी तो लिखे फॉर्मले. चलो देखते हैं. 513 के साथ कोई ट्यूर कोई ओपन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस कर रहा है बीट्स, तो दो ऑप्शन बने. 5 बीट अगर प्रोड्यूस करेगा तो दो ऑप्शन बने, या तो वो 518 होने वाला है या वो 508 होने वाला है. ये वाला भी इसके साथ बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है,
इसके भी दो ऑप्शन बने, या तो 246 होने वाला है 4 बीट या 254। कितने आसान होते हैं क्वेश्चन। अब इतना हमें पता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्योंकि फंडामेंटल है तो वी बाई ट्वेल्व होगी, इन दोनों की 2V/12 होगी, मतलब ये इसका डबल होना है। या तो मैं ये आंसर चूज करूं या ये चूज करूं और इसमें से भी कोई एक चूज करूं, डबल वाला कॉम्बिनेशन चूज करूंगा मुझे, तो कौन सा चूज करूं, कौन से दो चूज करूं, 254 और 508 चूज करने पर डबल भी आ रहा है, सब कुछ ठीक भी हो रहा है, तो ये आंसर होगा। तो आंसर क्या रहा, 254। हमसे पहले वाले की पूछिए ना, तो 254 मतलब उसकी फंडामेंटल 4 है और उसकी सेकंड हार्मोनिक 508 है, 254 का डबल 508 होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं नहीं फंडामेंटल तब भी वैसे आ तो जाता है आंसर, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, कैसे बनाओगे। आगे वाले 250 के साथ 4 बीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि आगे वाले तो और बड़े होते, आगे वाले तो और बड़े होते वो, इसलिए फंडामेंटल देने की जरूरत नहीं थी, मैंने दे दिया है, जरूरत कहाँ है बताओ। माल भाई ये सेकंड हार्मोनिक है, अब सेकंड हार्मोनिक है इससे आगे वाले क्या होंगे, बड़े होंगे कि छोटे होंगे, बड़े, तो वो तो पहुंच जाएंगे फिर 500 के बाद, मतलब 508 के बाद 1000 के ऊपर, 1000 से भी ऊपर चले जाएंगे ना, डबल ट्रिपल होंगे इस तरह से। तो वो इसके साथ 4 बीट प्रोड्यूस करेंगे, नहीं, इसका मतलब इससे पहले वाला ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, इससे पहले वाला कौन होता है, फंडामेंटल, तो वो फंडामेंटल ही है, देने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, तभी तो थोड़ा बेटर क्वेश्चन बनेगा, मैं तो आसान कर दिया आपके लिए। चलो थोड़ा डीपीपी में करते हैं, तो ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है, और देखते हैं फिर क्या क्या क्वेश्चन है। डीपीपी में एक ना ये बच्चों को वाला डाउट काफी लोग पूछ रहे हैं, इसे मैं छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ये एंड करेक्शन पे बेस्ड है, ये जो डी लिखा हुआ है इसमें, ये एंड करेक्शन है, ये पढ़ेंगे अभी, तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अभी फिलहाल के छोड़ सकते हो, और काफी लोगों ने ये वाले तो कर लिए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करो भाई घर पे, आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं, ये सब भी हो गया था, ये डॉपलर हमें छोड़ना ही है, तो समझा करो पढ़ना क्या क्या है ना, कुछ एक दो कॉमन डाउट करा रहा हूँ जो आने ही आने, और फिर आगे बढ़ते हो थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, वैसे तो आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रेन सायरन ये सब डॉपलर है, सब डॉपलर, पुलिस वैन सब डॉपलर है, ये पानी वाला आ गया, ये पानी वाला रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, तो ये अभी नहीं पढ़ा हमने, पानी वाला आज पढ़ेंगे अगर टाइम बचता है, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी बिल्कुल मत करो, टेस्ट में कल यहीं तक आएगा जितना आज करा दिया जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देता रहूंगा कैसे करना है। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 14 सामने भी लिखा हुआ है, 14 नीट सेक्शन में, नहीं तो सामने से देख लो, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 और 16, 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 में काफी लोगों को डाउट आता है, 14 और 16। पहले 14 करेंगे, जल्दी से ट्राई करो, आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराया उसी तरह का क्वेश्चन, और उसके बाद 16 ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन तो है, पढ़ क्यों रहे हो वापिस से, 16, ठीक है। तो देखो इसमें फंडामेंटल नहीं दिया था, क्या लिखा हुआ था, अननोन फ्रीक्वेंसी, 16 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 16,
सिक्सटीन और वन दोनों ही कर लो, वन हालांकि बीट्स का है हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। सिक्सटीन्थ में कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड, सीओपी है, ध्यान रखना फॉर्मूला एकदम दिमाग में आना चाहिए, टू एन माइनस वन वी बाई फोर एल, लेंथ है 85 सेंटीमीटर और वो वाली फ्रिक्वेंसी बतानी कितनी होंगी जो 1250 से कम होंगी। तो 1250 पे क्या आएगी पहले ही सोच लो, मतलब 1250 पे कितनी कौन सी फ्रिक्वेंसी, कौन सा हार्मोनिक आ रहा, ये सोच, मतलब आप क्या करने वाले हो सुनो। मुझे जो लगता है मैंने वैसे समझा तो दिया, हो तो जाना चाहिए, कर लो ट्राई, 1 मिनट तो देनी चाहिए मुझे। 1250 पे कौन सा हार्मोनिक आ रहा है, तो 1250 को किस करने वाले हो, 2n-1 v by 4l, मुझे 2n-1 की वैल्यू निकालो, पूरा 2n मत निकालना, 2n-1 निकालो खाली। और v है आपके पास, लेंथ है, लेंथ को मीटर में से सब कुछ करके देखो क्या 12.5, इस कौन सा हार्मोनिक हो गया है, इसमें 12 तो होता ही नहीं, इसमें या तो 11 होते हैं या 13 होता है, तो 11वां हार्मोनिक तो आ रहा है, मतलब तो 11वां इससे नीचे आएगा, तो 11 9 वाला, फिर 7 वाला, फिर 5 वाला, जिन्होंने भी कर लिया है बाकी लोग करेंगे, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला, कितने हो गए देख लो, इसमें 6 ऑप्शन है, तो क्या दिक्कत है बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिनका हो गया वो अगला फर्स्ट भी कर ले, मैं करा रहा हूँ, मैं सॉल्व तो करा ही रहा हूँ, मैं तो आपको टाइम दे रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखा है क्लोज एट वन एंड, तो मुझे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी लगने वाली है 2n-1 वी बाय फोर एल, मुझसे कह रहा है बस ये बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी इसमें से 1250 से कम होंगी, तो क्यों ना 1250 के बराबर कर दिया जाए, इसे 1250 के बराबर कर दो, इसमें 2n-1 की वैल्यू अब निकाल के देखो, v कितना है, v है 340, 340 और 4l कितना है, l कितना है 85/100, वैसे किसके इक्वल कर रहे हो आप 1250, ये कर लिया। अब एक सब बच्चे सॉल्व करेंगे और 2n-1 सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, 2n-1 की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व कर लो, जिनका हो जाए फर्स्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिनका हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 2n-1 सॉल्व करने पर आ रहा है 12.5, ये आ रहा है, ये मत निकालो, ये ऐसी छोड़ दो और ये पूरा इसे काट कूट के सब करो और देखो 12.5 आ रहा हूं, इसका मतलब अगर ये 12.5वें वाला हार्मोनिक है, बट ये तो सर होता ही नहीं, इसमें कौन कौन से हार्मोनिक होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से होते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो यहाँ कहीं आ रहे हो आप, तो इसका मतलब ये सारे 1250 से क्या है नीचे, ये छोटे होंगे ये बड़े होंगे, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आपका आंसर हो गया, समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर क्या हुआ 6। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लो, 1 नया नहीं है, वही ट्यूनिंग फॉक का दोबारा से दे दिया, ऐसे कर लो कोई बात नहीं, ट्राई कर लो। डीपीपी है फर्स्ट और सेकंड दोनों दे दो, इस बार डीपीपी दे दो भाई, हाँ दो दो बाद में, फर्स्ट तो फर्स्ट भी दे दो, फर्स्ट से सेकंड है, फर्स्ट भी दे दो, ये तुम सामने से देख रहे,
चलो ये भी करा रहा हूँ, फिर आगे भी आ रहे हूँ। फर्स्ट वाला बहुत इजी है, मुझे लगता है हो भी गया होगा बहुत लोगों से। दो ट्यूनिंग फॉक है, आप देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, AI EEE नीट सब तरह क्वेश्चन है। चार बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ सम टेप इज अटैच, टेप लगा दिया आपने, कि टेप लगाने से अपने आप सोचना है टेप लगाने से क्या होगा, मास बढ़ेगा मतलब मूव कराना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब ध्यान रखना उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ये तय है। तो आपके पास अभी कितनी बीट्स हैं, चार। और व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क आर साउंडिंग अगेन, छः बीट, फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉर्क वन 200 है, तो अगर यहीं से पकड़ो पहले 200 है तो आपके पास दो आंसर है, क्या क्या, चार बीट्स आ रही है 196 और 204। तो ध्यान रखना आंसर तो इन दोनों में से, अगर तुक्का भी मार रहे हो तो इन दोनों में से एक तुक्का मारना, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके नहीं मारना होता, इतना तो बेसिक है कि इन दोनों में से एक लगेगा। अब आप कोई भी एक आंसर चूज करो, मान लो 204, किसको, किसके टू वाले को क्या करा आपने, टेप लगाई है, तो टू वाले की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, कम होके क्या हो जाएगी 202। अब 202 200 के साथ कितनी बीट्स प्रोड्यूस करेगी, दो, जबकि हमारी बीट्स क्या हो गई है, छह, तो फिर ये आंसर, तो आंसर कौन सा हुआ 196 हो गया। ये आसान होते हैं बहुत, ये तो छोड़ने ही नहीं है, ये स्कूल में भी बहुत आते हैं। तो आंसर कितना हो गया 196। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दूं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, जेई ये 2010 वाला, करो जरा, जेई 2010 वाला दो क्वेश्चन नंबर 13, हॉलो पाइप जिस सर्कल किया है मैंने, डीपीपी नहीं भी है तो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन 13। थोड़ा सा स्टार्ट दे रहा हूँ, आपने कर ही लिया होगा, कुछ लोगों ने आगे बढ़ गए होंगे। तो 13 क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करो, हॉलो पाइप ऑफ लेंथ 0.80 मीटर क्लोज एट वन, एकदम से COP, ये वाला क्या है COP, ठीक है, एट इट्स ओपन एंड 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, इसका मतलब स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग टाइड टू टू एंड वाला केस होगा, सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है और इसके साथ रेजोनेट कर रही है, इसकी फंडामेंटल के साथ, टेंशन ऑन द वायर इतना, स्पीड इतना, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज, एक स्ट्रिंग भी है इसमें और टीओपी है, स्ट्रिंग कौन सी है, तब तक वो नहीं देगा टाइट टू टू एंड, वन एंड का क्वेश्चन कभी नहीं आता, वन एंड ढूंढ के दिखा दो इसमें मिलेगा ही नहीं, तो वन एंड को अगर वो स्पेशली बोल रहा है तभी लेना, अदरवाइज स्ट्रिंग हमेशा टाइट टू टू एंड ओनली, स्ट्रिंग हमेशा दो एंड के बीच में टाइट वाली होगी, पहली लिख लो कई बात, ये स्ट्रिंग ऑलवेज दो एंड वाली होगी, तो स्ट्रिंग हो गई दो एंड वाली, एक हो गया क्लोज पाइप, क्लोज पाइप किस में है जरा बोलना, तो फंडामेंटल तुरंत लिख दो, फंडामेंटल, यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा, किसके साथ रेजोनेट कर रही है, रेजोनेट माने सेम होना, इसका सेकेंड हार्मोनिक, स्ट्रिंग का सेकेंड हार्मोनिक का फॉर्मूला NV/2L, मतलब 2V/2L, देखो फॉर्मूले है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 2V/2L, लेकिन ये L अलग अलग है, यहाँ L1 यहाँ L2। अब सुनो इधर, बताओ VS कितना है, VS कितना है 320, L1 कितना है 0.8, L2 कितना है 0.5, और V क्या होता है √ टेंशन बाय म्यू, टेंशन कितनी है 50, क्या होता है M/L, L भी उसमें पता है, तो क्या बचा, हो जाएगा सॉल्व कर लो, इवन IIT का क्वेश्चन भी इजी होते हैं इसमें, लेकिन आपको ये याद आना, आवाज नहीं भाई, आपको याद आना चाहिए कि ये क्लोज्ड है उसकी फंडामेंटल क्या है, ये स्ट्रिंग है तो उसकी सेकंड हार्मोनिक क्या है, ये याद आएगा तभी तो, वरना तो कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कितने लोगों ने ये लिख दिया था एटलीस्ट, बस सॉल्व, उसके बाद सॉल्व होना, ये लिख दिया तो हो गया,
हार्ड नहीं होगी यहाँ कैलकुलेशन, सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो, फिर अब कुछ डीपीपी बन के दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन है सोनोमीटर वायर वगैरह वाले, तो वो है वहां वायर वाले हैं खाली, सोनोमीटर वाले ये मिक्स होके ओपन क्लोज इस तरह से बनते हैं। सॉल्व करने का काम रह गया भाई, वीएस कितना है 320, 4.8, 4.8 V√ टेंशन, टेंशन कितनी है 50, म्यू कितना है M M/L, L ऊपर चला गया 0.5, देखते हैं ना मैंने सही लिखा है क्या, अंडर रूट टेंशन बाय म्यू, म्यू क्या होता है एम बाय एल, एल का ऊपर 0.5 अपॉन, ये 2 से 2 तो काट ही दिया, अपॉन एल टू, एल टू कितना 0.5, यहाँ से एम निकलेगा और सॉल्व होगा, पॉइंट ये हटाओ, 0.8 कितना, 4 8 32 कितना बचा 10, स्क्वायर करो 100। आईटी कैलकुलेशन कभी हार्ड नहीं होती, ध्यान रखना, अगर हार्ड हो रही है तो आप ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो एम 4 kg आ रहा है मुझे लग रहा है, अच्छा बाय 100 आएगा, सॉरी 50 पूजा, तो एम कितना आ गया 0.5/2, 0.5/2 केजी में, 0.5/2 क्या आ गया केजी में, ये आ रहा है, कैलकुलेशन कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, अच्छा मैं इसका इसका 5 गया रह गया मेरा ना, तो 1.25 और आ जाएगा नीचे स्क्वायर करने पर, ये तो रह गया तो 25 और कर दो, क्या दिक्कत है, अब ठीक है अब सॉल्व कर लो, तो एक भी चीज मिस हो जाती है, गड़बड़ जाती है, किस में आया केजी में, तो ग्राम में क्या होगा 0.5 × 1000/50, 0.5 × 1000/50 तो कितना आ गया 500/50, 500/50 कितना हुआ 10 ग्राम हुआ, नया कंसेप्ट क्लियर, गेम किस बात का है कि आपको ये याद है, आपको क्या याद आना था एक बार और समझा रहा हूँ, जैसे ही आपने देखा क्लोज पाइप, क्लोज पाइप फंडामेंटल का एकदम फॉर्मूला याद आना चाहिए, फिर सेकंड हार्मोनिक स्ट्रिंग का 2V/2, बस रेजोनेट्स माने बराबर कर दो, कहाँ इवन आईआईटी एडवांस, एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस नहीं होता, यही एडवांस है जहां भी यही लिखा है, जेई मेंस लिखा है वो अलग बात, जब जेई जब तक मेंस होता ही नहीं था, केवल क्या होता था आईआईटी का एग्जाम और एआई ट्रिपल ई, तो 2012-13 के बाद आया था मेंस के, तो कहने का मतलब है एडवांस का क्वेश्चन भी इजी आते हैं अगर आपको फॉर्मूले तो याद आए, क्लियर, ये चलो वापिस एक मिनट डीपीपी वन पे चलते हैं, डीपीपी वन में अगर हम आए तो सेक्शन डी पे आ जाओ और सामने देख सकते हो आप क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है डीपीपी में देखने की भी, मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं बस, D13 पर आओ, D13 अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से, बात कम करके अगर आप जल्दी करोगे तो हम जल्दी कर पाएंगे, D13। अब देखो सोनोमीटर वायर याद है, सोनोमीटर वायर वही ओनली, बट बीच में कहीं कहीं क्या लगा देते हैं उसमें 5 8 पॉइंट, जो कि वो क्या बन जाते हैं नोड्स, तो D13 ब्रिज माने वही 5 8 पॉइंट, ब्रिज माने नोड, जहां ब्रिज लगा दी वो भी 5 8 पॉइंट हो गए, मतलब वहां पर हमने ब्लॉक कर दिया, वहां से हिल नहीं सकती चीज, दो क्वेश्चन यहां कराऊंगा बस, फिर हम आगे चलेंगे, इतना करना पड़ेगा कोई बात नहीं, अभी हमें इसमें अभी पढ़ना है वेलोसिटी, मुझे लगता है 2 क्लास और लगेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी पढ़ना है ना, और पानी एक्सपेरिमेंट देखने, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट और डॉपलर इफेक्ट ना देखें, तो मोस्ट प्रोबली मंडे से
16 तारीख से आपकी सॉलिड्स एंड फ्लूइड शुरू होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से करते रहो। लेकिन चैप्टर आप सोनोमीटर वायर के देखते ही आपको याद आना चाहिए स्ट्रिंग टाइड टू टू एंड ओनली है, ठीक है। और इसमें आपको दो ब्रिज रखने हैं, मतलब दो जगह आपको नोड्स बनाने हैं टू डिवाइड द वायर इन थ्री सेगमेंट। तीन सेगमेंट में वायर को क्या करना है, डिवाइड करना है। और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आर इन द रेशियो 1:2:3, मतलब ये है कहानी। एक नोड यहां बनाओगे, एक नोड यहां, ये है ही। तो कितनी वायर बन गई, एक वायर पहली, एक और वायर, फिर एक और वायर, वायर नंबर ए, वायर नंबर बी, वायर नंबर सी, तीन वायर बन गई कि नहीं बन गई। अब इन तीन वायर पूरी लंबाई 100, इसकी कुछ कुछ है, तीन अलग अलग वायर मान लो इनको, तो इसमें तीनों का रेशियो 1:2:3 है, तो बताओ कहां ये ब्रिज रखे जाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से करा सकता, तीनों की लंबाई 110 है। फंडामेंटल होता है V/12, V सेम रहेगा क्योंकि पूरी टेंशन सेम है, सब कुछ सेम है। मान लो ये लेंथ है LA, LB, तीन वायर हो गए ना, LC, फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसमें, और ये फंडामेंटल है, तो ये ऐसे पूरा वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे, देखो ये, तो क्या होता है V/12, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना। फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3 है, V तो सेम हो गया ना सबका, तो लेंथ का रेशियो 3:2:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा है ना। या दो को भी आप पिक कर सकते हो केवल, जैसे 1:2 है तो ये 2:1 हो जाएगा, क्लियर। 3:2:1 नहीं होगा, उस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आएगा है ना। तो कहने का मतलब है अब आपको बस इतना सोचना, मैथ्स हो गई खत्म। फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ रहा है 1:2:3, तो लेंथ का रेशियो क्या होगा, अगर ये आप सोच पाओ तो हो गया। लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तीन है ना, तीन, दो होता तो कोई दिक्कत नहीं, तीन है। और आसान कर दूं आपके लिए, सिंपल तरीका देखो जरा, आपके पास एक मिनट के लिए हम उस पर चलते हैं क्योंकि यहां लिखने की थोड़ी स्पेस कम है, एक मिनट लगी वापस आ जाएंगे। आराम समझाता हूँ, जो पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है, लेंथ अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज के रेशियो आ रहे हैं 1:2:3 है, और हमने देख लिया कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए तो लेंथ क्या हो जानी चाहिए, हाफ, और तीसरे वाली की लेंथ क्या हो जानी चाहिए, 1/3। तो अगर ये लेंथ एक्स है तो ये वाली क्या हो जाएगी, या छोड़ो इधर वाली को एक्स लेते हैं और आसान करते हैं, ये लेंथ अगर एक्स है ये वाली, तो ये क्या होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या करनी है आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, इसकी डबल, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, X/2, ये वाली लेंथ, सिंपल ये कर लो आप, छोड़ो। अगर पहली लेंथ एक्स है तो क्या होनी चाहिए, X/2, क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल, और इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिपल, क्योंकि लेंथ क्या हो गई, 1/3,
भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बोलो क्या हो गई, वी बाय एक्स। इसकी क्या हो गई, वी बाय एक्स बाय टू, तो टू किधर चला गया, ऊपर, डबल हो गया ना। इसकी क्या हो गई, वी बाय एक्स बाय थ्री, थ्री किधर चला गया, ऊपर, हो गया ना ट्रिपल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इस तरह से, और लेंथ का टोटल लेंथ आपको दे रखी है, बोलो टोटल लेंथ क्या हुई, एक्स प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय थ्री, और ये कितनी है 110। तो एलसीएम कितना आया, 6 प्लस 3 प्लस 2 11 हो गया। तो कितना आया 60। इसका मतलब पहली लेंथ क्या होगी 60, दूसरी लेंथ 60 का आधा 30, तीसरी 20। तो पहला ब्रिज कहाँ लगाओगे 60 पर, दूसरा ब्रिज कहाँ लगाओगे 90 पर। तो पहला ब्रिज 60 पर, तो पहला 60 पर, दूसरा 90 पर। आप और तरीके से भी सोच सकते थे, मैं तो एक आइडिया दे दिया कि ऐसे लेंथ मान लेना कि एक की एक्स है, तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी रुक जाओ, एक की एक्स है तो एक की एक्स बाई टू होगी और एक की एक्स बाई थ्री, तो अपने आप ही फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएंगी 1:2:3। तो आसान हो गया, टोटल लेंथ आपको दे रखी है। दोबारा समझ रहे, आ गया। अभी एक क्वेश्चन और मैंने बोला है भाई, रुक जाओ, दोबारा एक बार और बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 1:2:3 थी, फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय 12, वी सेम है क्योंकि एक ही धागा है, तो वी सेम होगा, वी होता है टी बाय म्यू, तो वी तो सेम है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करना चाहते हो तो लेंथ को आधा कर दो, सम साठ। इसका मतलब हमारा पहला जो होगा, पहला जो ब्रिज लगाएंगे हम, वो लगाएंगे हम कहाँ पर, 60 पर, और दूसरा जो ब्रिज लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, 90 पर। तो 60 एंड 90। एक क्वेश्चन और बस, ये आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह की वैरायटी के आपको करने हैं अपने आप, क्योंकि इसमें मिक्स है मेरे आज, इसमें चीजें क्या है, मिक्स है। 54 क्वेश्चन, 54 ये वाला सोनोमीटर, अभी भी है आपके पास मिनट्स, जल्दी से करो। तो परसों हम रेजोनेंस ट्यूब पानी वाला करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड करेंगे और डॉपलर स्टार्ट करेंगे, दो क्लास लगेंगे अभी। और डॉपलर सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मतलब सर अगली दो क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉपलर है सबसे इंपॉर्टेंट। सुनो, वायर थियरी और ऐसा होता है इसमें, और इसमें ना एक ब्लॉक लटका दिया, बताया था याद है, उसने क्या करा, एक ब्रिज यहाँ बना दिया, समझ लो एक ब्रिज यहाँ बन गया, ये ब्रिज कह रहा है मतलब यहाँ पे नोड बन गया, ये मतलब है ब्रिज का, तो सिंपल दो ब्रिज बना दिए। अब क्या कह, थोड़ा मैं तो आपको हेल्प कर रहा हूँ, हो तो जाना चाहिए, समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। अब क्या दिया है, दो ब्रिज के बीच में कितने नोड्स बन रहे हैं, 5, तो 5 एंटी नोड बनाने की कोशिश करो, उससे क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। और फिर उसके बाद कितने बन रहे हैं, मास चेंज करने पर 3। तो चलो एक बार 5 एंटी नोड बनाते हैं, एंटी नोड ऊंचा होगा ऐसे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो लूप कितने हो जाएंगे, 5 एंटी नोड में कितने लूप होंगे, 5 ही होंगे, बना के देख लो कोई बात नहीं, गिन लेना, बताओ नो एंटी नोड कितने हैं, ऊंचाइयां कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 एंटी नोड से बनते हैं 5 लूप, 6 एंटी नोड, 6 नोड से बनते हैं 5 लूप, नोड 6 हो जाते हैं, नोड गिन लो 6 हैं, गिनो। अब मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोलो
मैंने बताया था जितने सुतने एन, फ्रीक्वेंसी क्या हुई 5, ये है अभी फ्रीक्वेंसी, ठीक है होने दो। अब क्या कह रहा है कि फिर से ऐसा ही हुआ, लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, अब मतलब अब कितने नोट्स बन रहे हैं, अब 3, 1 2 3, तो कितना हो गया। लेकिन ध्यान रहे अब वेलोसिटी अलग अलग है, पहले V1 अब V2, पहले V1 और V2 है ना। लेकिन ये रेजोनेट किसके साथ कर रही है, पढ़ो जरा, इसका मतलब दोनों फ्रिक्वेंसी बराबर करो, दोनों फ्रिक्वेंसी को बराबर करो, 3V2/12 लेंथ भी सेम है बराबर 5V1/12। अब मुझे बताओ 12 से 12 तो काट दो, वेलोसिटी क्या होती है, √T/μ। ये पहली टेंशन है वन, ये टू वाली सॉरी, और पहले वाली क्या है 5T1/μ, म्यू से म्यू भी काट दे। बिल्कुल एंड पे आ गए हम क्वेश्चन के, बताओ पहली टेंशन कितनी, पहली टेंशन कितनी होगी 90, दूसरी टेंशन mg, तो पहली टेंशन 90, दूसरी टेंशन mg करो आपको m मिल जाएगा, निकालो m। उसने जान पूछ के ऐसे नहीं बोला फिफ्थ हार्मोनिक कर रहा है, वो कह रहा है 5 एंटीनोड मतलब 5V/12, 3 एंटीनोड 3V/12, दोनों रेजोनेट विद सेम ट्यूनिंग फॉर्क, इसका ना दोनों बराबर, दोनों बराबर मतलब बराबर कर दो, वेलोस 12 से 12 काटो, वेलोसिटी क्या होती है T/μ, म्यू से म्यू भी काटो, इसका मतलब 3√T, 3√T2 किसके इक्वल है 5√T1, 3√T2 कितना है 5√T1, अब 3 स्क्वायर कर दो 9, T2 कितना है mg, स्क्वायर कर दो 25 कितना है 90, या g 9g, g से g काटो, 9 से 9 कितना आ रहा है 25, 25 कहाँ है ये रहा 25 kg आंसर है, समझ में आया। तो अब आपको घर पे क्या करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है तो वाले क्वेश्चन करो, ओपन पाइप क्लोज पाइप इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव सब करो, डॉपलर छोड़ना है, आवाज बंद भाई, डॉपलर कहीं नहीं करना जहां चीजें मूव कर रही हैं, एक सायरन इज मूविंग, ए ट्रेन इज मूविंग, डॉपलर छोड़ो, और क्या छोड़ोगे, पानी वाले क्वेश्चन छोड़ो और वेलोसिटी ऑफ साउंड छोड़ दो, डॉपलर वेलोसिटी ऑफ साउंड और पानी वाले।